सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस औषधि के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है शरबत एजाज। दोस्तों, ये जो औषधि है ये सदर कंपनी की है और इसमें एक रेक्स कंपनी की भी आती है, ये शरबत एजाज। तो इन दोनों तीनों कंपनी, जैसे हमदर्द, रेक्स और सदर, ये तीनों ही कंपनी अच्छी हैं और इन तीनों कंपनी के कोई से भी आप शरबत ले सकते हैं। शरबत यार्क और भी औषधियाँ इन कंपनियों की आती है, कोई भी आप ले सकते हैं, ये तीनों चारों कंपनी ही अच्छी है। तो आज हम आपको शरबत एजाज के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो औषधि है ये विशेष रूप से प्रयोग की जाती है टीबी के रोगों के लिए। दोस्तों, इस से संबंधित जैसे टीबी रोग है, इससे संबंधित और औषधि जो जैसे एलोपैथिक में तो इसकी पूरा कोर्स चलता ही है, लेकिन आप आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा भी इसको ठीक कर सकते हैं और ये विशेष रूप से इन्हीं के रोगों में काम करती है, टीबी रोगों में। दोस्तों, टीबी रोगों में जैसे अगर खून आता है, मुख से खून आता है, तो उस संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है, या सूखी खांसी है तो जैसे खांसी की वजह से दमा सा कुछ इस टाइप का होता है, सांस चढ़ जाता है, मुख से खून आता है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो औषधि है ये 125 ml अरक गाजवा के साथ इसमें 25 ml इस शरबत की मिलाकर आपको दिन में दो बार लेनी होती है। इसका फॉर्मूला भी आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके। तो इस का आप प्रयोग दिन में दो बार करें और इसको रोग के अनुसार इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है, जैसा कि जैसा रोग है, जितना पुराना रोग है उसी के हिसाब से इसको उतने दिन तक ही जो है इसका प्रयोग करना होता है। दोस्तों, ये जो शरबत एजाज है ये बहुत ही अच्छी औषधि है टीबी रोगों के लिए। आयुर्वेद में इससे मतलब ऐसी ही टीबी से संबंधित औषधि जो है बहुत कम है, एलोपैथिक में है, लेकिन ये आयुर्वेदिक में जो है शरबत एजाज है जो टीबी रोगों का खात्मा करती है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को शेयर भी करें ताकि और भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आपको किसी भी औषधि की या जड़ी बूटी की आवश्यकता है और आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे संपर्क करके मंगा भी सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भविष्य में भी ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।